सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रूव्ड बाई गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से क्या चीज प्रूव हुई थी ये हमें बताना है। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पहली चीज तो होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, फ्लोएम को रिमूव कर देते हैं। आप फ्लोएम को रिमूव कैसे करेंगे, स्टेम के चारों ओर एक रिंग बना देते हैं, काट काट के एक रिंग जैसी निकाल देते हैं, जिससे सिर्फ फ्लोएम फ्लोएम निकाल दिया जाता है। अब जब फ्लोएम निकल जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्लांट में फूड बन रहा है, लीव्स में, जो लीव्स में फूल, जैसे ये देखिए ऐसे प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके ऐसे करके चारों ओर कट लगाया और एक रिंग बना दी, ठीक है। रिंग बना के हमने फ्लोएम तक काट दिया। हम जानते हैं स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं सेम रेडियाई पे होते हैं, और जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। तो बाहर बाहर का जितना भी फ्लोएम है हमने काट दिया, फ्लोएम काट दिया, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। अब लीव्स में बना कोई भी फूड वो आएगा नीचे, ठीक है, यहाँ फ्लोएम ही नहीं बचा तो वो फूड को नीचे कैसे पहुंचाएगा, वो फूड यहीं आसपास स्टोर होने लगेगा, नीचे रूट में नहीं जाएगा, और रूट की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट की डेथ हो जाएगी, मर जाएगी रूट, है ना। तो अगर गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हमने किया तो इससे क्या पता लगा कि जो फ्लोएम है वही फूड का कंडक्शन करा रहा है। तो हमारा आंसर जाएगा सिंपलास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, गलत बात है, गर्डलिंग के बारे में पूछा था। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर, सही बात है, वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जाइलम, लेकिन गर्डलिंग नहीं बताता ये चीज। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किसे बताता है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेल्यूलर, ये भी नहीं, हमसे गर्डलिंग के बारे में पूछा है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। थैंक यू।